हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ निबंध गणतंत्र दिवस पर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है। यह प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इस तारीख से पहले भारत अंग्रेजी शासन का गुलाम था। भारत सरकार द्वारा इस दिन को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया। गणतंत्र दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय गान जनगणमन गाया जाता है। 26 जनवरी के दिन दिल्ली में इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक परेड निकाली जाती है। इस परेड में भारत की थल सेना, वायुसेना, नौसेना भाग लेती है। 26 जनवरी के दिन वीर चक्र, परमवीर चक्र जैसे राष्ट्रीय सम्मान वितरित किए जाते हैं। इस दिन देश के बहादुर बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इस दिन स्कूल कॉलेजों में गायन, नृत्य, नाटक आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। स्कूलों में निबंध प्रतियोगिता भी करवाया जाता है। गणतंत्र दिवस भारत की गौरव और स्वाभिमान का दिवस है। इस दिन हर भारतवासी को अपने देश को शांतिपूर्ण विकसित बनाने के लिए प्रतिज्ञा करनी चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।